वेलकम बैक फ्रेंड्स सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस मेजरिंग वेरिएबल्स एंड देयर टाइप्स इस वीडियो में हम लोग मेजरिंग वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे और उनके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो इससे पहले प्लीज अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपको वीडियो अच्छी लगे तभी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा सो so, स्टार्ट करते हैं तो मेजरिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं पहले ये देखते हैं हाँ मेजरिंग वेरिएबल्स अ कॉन्सेप्ट विच कैन टेक ऑन डिफरेंट क्वांटिटेटिव इच कॉल वेरिएबल ठीक है एक ऐसा आ, आ, मतलब कॉन्सेप्ट जो डिफरेंट क्वांटिटी वैल्यू मतलब शो कर सकता है जैसे कि सच कॉन्सेप्ट लाइक वेट हाइट इनकम आर ऑल एग्जांपल ऑफ वेरिएबल्स जैसे कि अगर वेट का देखा जाए तो इसमें डिफरेंट क्वांटिटी वेट में आ सकती है जैसे किसी की वेट 40 के हो सकती है किसी की 50 के हो सकती है किसी की हंड्रेड तो मतलब कि इसमें डिफरेंट क्वांटिटी वैल्यू आ रही है ना और हाइट भी है इनकम भी है इसमें भी डिफरेंट क्वान्टिटी वैल्यू आ सकती है तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें डिफरेंट क्वांटिटिव वैल्यू हमें देखने को मिले तो उसे हम लोग वेरिएबल्स uh, कहते हैं फ्रॉम द अब डिफिनेशन इट इज एविडेंस दैट वेरिएबल आर थिंग दैट वी मेजर कंट्रोल आर मैनिपुलेट इन रिसर्च अब हम लोग ऊपर जो अभी डिफिनेशन पढ़े हैं उसके हिसाब से कह सकते हैं जो वेरिएबल्स एक ऐसी चीज है जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी मतलब कोई भी रिसर्च करते समय ठीक है सिंपली वेरिएबल्स इज मेजरेबल कैटेस्टिक्स डैट वेरी इट मे चेंज फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप पर्सन टू पर्सन आर इवन विथ इन वन पर्सन ओवर टाइम अब ये वेरिएबल्स क्या होते हैं मिजरेबल कैटिस्टिक्स रहती है, है उन, उनको हम लोग विजर कर सकते हैं और उसके साथ साथ वो वेरी करते हैं। मतलब वो चेंज होते रहते हैं ठीक है आ, मतलब ग्रुप टू ग्रुप वेरी कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं जैसे कि एक पर्सन का वेट जो है फोर्टी के जी है और दूसरे पर्सन का वेट अगर हम नाप रहे हैं तो उसका आ रहा है फिफ्टी के जी तो वो मतलब कि उसका वेट मतलब पर्सन टू पर्सन वेट जो है वेरी कर रहा है ना तो वेरिएबल जो है उसे हम लोग मेजर कर सकते हैं और जो उनकी मतलब कि जो उनकी वैल्यू रहती है वो चेंज होती रहती है वैरी होती रहती है पर्सन टू तो पर्सन ग्रुप टू तो ग्रुप और एक ही पर्सन में ओवर टाइम भी चेंज एक पर्सन का 40 के जी आज वेट है अगर एक महीने बाद कहते हैं उसको मेजर कर रहे हैं उसके वेट को वो हो गया 45 फाइव के जी ठीक है तो उसके वेट चेंज हुए टाइम के साथ तो अ वो कहते हैं वेट क्या है वेरिएबल है जो Uh, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं और वो चेंज भी होती रहती है टाइम के साथ और ग्रुप में पर्सन टू पर्सन ठीक है फिर आते हैं वेरिएबल जो है वो टू टाइप्स के होते हैं पहले क्वालिटेटिव वेरिएबल एंड सेकेंड इज क्वाली क्वांटिटेटिव वेरिएबल फर्स्ट क्वालिटेटिव वेरिएबल के बारे में बात करते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर लिविंग थिंग्स आर टू विच कैन वनली बी सीन एंड कैन नॉट बी मेजर्ड इन फिक्सड नंबर ठीक है ऐसी प्रॉपर्टी किसी ऑब्जेक्ट की या किसी प्राणी किसी जीवित प्राणी की हम लोग अगर आ, मतलब जिसको हम लोग देख सकते केवल उसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते इसको कोई फिक्स नंबर नहीं दे सकते फिक्स डिजीज नहीं दे सकते ठीक है जैसे कि स्किन कलर है उसको हम लोग देख सकते हैं कि हाँ वो काला है या ये इसकी स्किन कलर फेयर है उसकी स्किन कलर डार्क है हम लोग ऐसे देख सकते हैं बट उसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते कि उसकी स्किन कलर कितनी है ठीक है उसी तरह रिलीजन है जेंडर है किसी का जेंडर हम लोग मेजर कर सकते हैं नहीं अगर वो है तो वो पूरा मेल होगा या पूरी फीमेल होगी या वो ट्रांसजेंडर होगा हम लोग उसको मेजर नहीं कर सकते उसके जेंडर को ठीक है क्लास लेवल ऑफ स्टूडेंट इज एन अदर सॉरी ये आर होगा यहाँ पे अनदर है एनअर एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल ठीक है क्लास लेवल जो स्टूडेंट्स का क्लास लेवल रहता है मतलब कि आ, वो क्लास में क्या फर्स्ट आ रहा है या सेकंड आ रहा है उसका जो क्लास लेवल रहता है वो भी एक अदर एग्जांपल है क्वालिटेटिव वेरिएबल्स का ऑन द बेसिस ऑफ दिस वेरिएबल दे कैन बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी सेकेंडरी एंड हायर क्लास लेवल ऑफ स्टूडेंट ठीक है इसके बेसिस पे हम लोग उसे प्राइमरी मतलब जो फर्स्ट आया है सेकेंड आया है या उसके हायर मतलब उससे भी हायर क्लास लेवल उनके लेवल को स्टूडेंट्स के लेवल को क्लासीफाई कर सकते हैं जो हायर हायर क्लास स्टूडेंट्स आर डेन क्लासीफाइड एज आर्ट साइंस इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एसेट्रा स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ दर टॉपिक्स ठीक है और जो हायर क्लास के स्टूडेंट्स है उसको भी हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं कैसे क्लासीफाई कर आर्ट से पढ़ रहे है जो साइंस लिया है जो इंजीनियरिंग कर रहा है जो मेडिकल कर रहा है तो इस बेसिस पे स्टूडेंट्स को मतलब उनके जो टॉपिक्स है जिसपे वो पढ़ाई कर रहे है उसके बेसिस पे भी उन्हें मतलब क्लासीफाई कर सकते हैं फिर आता है सेकेंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर बींग विच कैन बी मेजर्ड इन क्वांटिटी ऐसी प्रॉपर्टी जिससे किसी मतलब ऑब्जेक्ट की या किसी मतलब लिविंग बिंग की जीवित प्राणी की ऐसी प्रॉपर्टी जिसे हम लोग क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं उसे नंबर दे सकते जैसे हाइट वेट एक्सेट्रा जैसे हाइट है किसी की तो हम लोग हाइट को नंबर दे सकते हैं ना कि वो सिक्स फीट है या फाइव फीट है वेट है तो वेट को भी हम लोग नंबर दे सकते हैं जैसे कि वो फिफ्टी के जी का है फोर्टी के जी का ऐसे नहीं कह सकते ना कि वो मोटा है तो ये पतला है उसको हम लोग नंबर दे सकते हैं तो वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स में आता है एप्टीट्यूड इन अब्जेक्ट पर्टिकुलर ऑफ स्टूडेंट्स ऑल्सो फॉल इन कैटेगरी ऑफ क्वान्टिटेटिव वेरिएबल एज इट कैन ऑल्सो मेजर्ड इन फिक्स नंबर ठीक है जो स्टूडेंट्स के एप्टीट्यूड रहते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसे वो भी क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स में भी आता है क्यों क्योंकि उसे हम लोग नंबर के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं और फिर आता है वेरिएबल्स आर टू टाइप्स क्वांटिटेटिव वेरिएबल जो है वो टू टाइप्स के होते हैं पहला आता है कंटिन्यूस वेरिएबल अब कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होता है अ वेरिएबल दैट कैन एज्यूम एनी न्यूमेरिकल वैल्यू ओवर अ सर्टेन इंटरवल इज कॉल्ड अ कंटिन्यूस वेरिएबल अब जैसे क्या होता है ना जैसे दो नंबर है जैसे किसी आ, किसी की हाइट जो वो six feet है वो सिक्स फीट है किसी की मतलब ऐसा नहीं हो सर ना किसी की हाइट सिक्स फीट है तो सिक्स फीट के बाद सेवन फीट ही आएगा या किसी की हाइट फाइव फीट है तो फाइव फीट के बाद आएगा तो उसके बीच में भी नंबर्स होते हैं एक मतलब सर्टेन इंटरवल उसके बीच में भी नंबर होते हैं जैसे एज ऑफ पीपुल वेट ऑफ पीपल इन क्लास वेट ऑफ स्टूडेंट इन क्लास टेम्परेचर ऑफ सिटी इसके मतलब कि वो नंबर जंप नहीं करते हैं उसके बीच में भी डिजिट्स होते हैं जैसे कि किसी की हाइट है हम लोग वन सेवेंटी सेंटीमीटर जो है किसी पीपल की हाइट जो है हम 170 वन सेवेंटी सेंटीमीटर जो है उसे वो किए रिकॉर्ड किए बट ऐसा नहीं कहा जा सकता वन सेवेंटी सेंटीमीटर के बाद ही वन सेवेंटी वन सेंटीमीटर किसी की हाइट हो जाएगी कि उसकी हाइट जो है वो 170.1 सेंटीमीटर भी हो सकती है 170.2 सेंटीमीटर भी बढ़ सकती है ठीक है जब हाइट उसकी बढ़ेगी जरूरी नहीं वन सेवेंटी से वन सेवेंटी वन सेंटीमीटर वन मीटर पे जंप कर जाएगा उसके जो इंटरवल्स बीच की जो टर्म्स है उसमें भी उसकी हाइट जा सकती है ठीक है तो वो कंटिन्यूस वेरिएबल कहलाता है फिर आता है डिस्क्रिट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल जो जिसकी वैल्यू जो है वो काउंटेबल रहते हैं इसके बीच में कोई मतलब वो नहीं आते हैं ठीक है उसके बीच में कोई भी आ, जैसे इंटरवल्स नहीं आते हैं जैसे कि एग्जाम्पल में लिया जाए नंबर ऑफ पर्सन इन फैमिली नंबर ऑफ बर्थ इन सिटी नंबर ऑफ स्टूडेंट इन इंस्टीट्यूट ठीक है family, city, in अब ऐसे तो नहीं कर सकते कि आ, आ, जैसे कि उसके मतलब कि ए, जैसे कि कोई क्लास है उसमें स्टूडेंट्स अगर हम लोग गिन रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग कहेंगे 41.5 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है आज आज 40.5 स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं वहां पे एग्जैक्ट वैल्यू होती है ना वन टू थ्री फोर जैसे 46 सिक्स फाइव कहते हैं स्टूडेंट्स प्रेजेंट है आज 45 प्रेजेंट है तो इस तरह उसके बीच में कोई डेसीमल्स नहीं होते ठीक है इसमें डेसीमल्स का यूज नहीं होता इसमें केवल इंटीजर्स का यूज होता है ठीक है इसमें कोई इंटरवल मतलब बीच में क्वांटिटी नहीं आती बीच में नंबर्स नहीं आते हैं फिर आते डिफ्रेंसिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वैल्यू पहले तो मीनिंग क्वालिटेटिव डाटा इज अ डाटा इन विच द इन विच द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट एंड प्रॉपर्टीज ठीक है एट्रीब्यूट्स और, और प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं क्वांटिटेटिव डाटा इज अ टाइप ऑफ डाटा विच कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस न्यूमेरिकली ठीक है इसे मैंने बताया कि उसको हम लोग न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं रिसर्च में मेथोलॉजी में देखा जाए तो एक्सप्लोरेटरी है ये कंक्लूसिव मतलब ये कंक्लूजन निकालता है और फिर आता है अप्रोच इसका देखा जाए ये सब्जेक्टिव है तो ये ऑब्जेक्टिव है क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाए तो ये नॉन स्टैटिकल है और ये स्टैटिकल है इसमें न्यूमेरिकल मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं ये नॉन स्टैटिकल है बस हम लोग उसे देखते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है अनस्ट्रक्चर्ड है क्वालिटेटिव में और क्वांटिटेटिव में स्ट्रक्चर्ड है कलेक्शन ठीक है फिर आते हैं आज कैसे हम लोग इसको पूछ सकते हैं क्यों यहाँ मतलब पूछ सकते हैं ना यहाँ पे क्वांटिटेटिव में हम लोग पूछ सकते कितना है और हाउ मेनी हाउ मच इस तरह पूछ सकते हैं फिर आता है सैम्पल जो है स्मॉल नंबर ऑफ नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हम लोग यूज करते हैं इसमें लार्ज नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल आते हैं फिर आते हैं आउटकम डेवलप इनिशियल अंडरस्टैंडिंग ठीक है क्वालिटेटिव में हम लोग इनिशियल अंडरस्टैंडिंग्स को समझ सकते हैं डेवलप कर सकते हैं और क्वांटिटेटिव में क्या होता है रिकमेंड्स फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन ठीक है इसमें फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन को रिकमेंड करते हैं ठीक है तो आज मैंने इतना कुछ पढ़ाया इसमें क्या था इसमें मैंने मीनिंग बताई वेरिएबल्स की और उसके टाइप बताया क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटिव वेरिएबल्स और फिर क्वान्टिटिव वेरिएबल्स के टाइप से कॉन्टिन्यूअस डिस्क्रिक्ट वेरिएबल फिर उन दोनों के बीच में क्वालिटेटिव और क्वांटिटिव के बीच मैंने डिफरेंस बताया ठीक है तो आज के लिए इतना ही अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग Uh, और हाँ एक बात और अगर आपको ये नोट्स जो है मैंने जो लिखा है उसको मैं पीडीएफ के फॉर्म में जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी अगर आपको चाहिए होगा पी के फॉर्म में तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो थैंक्स फॉर वॉचिंग